मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर मतदान शनिवार 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके लिए चंबा के पांगी और भरमौर में भी मतदान प्रक्रिया को करवाया जाएगा। इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है और मतदान हेतु प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। इस बारे जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार जिला निर्वाचन कार्यालय चंबा संजय कपूर ने बताया कि इसके तहत सुबह 8 से 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें 75,486 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 38,654 पुरुष और 36,423 महिलाएं शामिल हैं। इसके तहत 2 मॉडल बूथों की स्थापना की गई है और 2 बूथ ऐसे होंगे जो महिलाओं द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। मंडी लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो भरमौर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 147 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें हमारे 9 सहायक मतदान केंद्र है, उसमें जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं वो हमने मतदान केंद्रों को कल जो है वो रवाना कर दी हैं और सभी हमारी पार्टियां जो है वो सेफली जो है वो अपने मतदान केंद्र पे पहुंच गई हैं। इसके बाद आज जो हमारी मतदान पोलिंग पार्टी हैं वो अपना पोलिंग बूथ जो है वो सेटअप करेंगी और कल जो हमारा मतदान है वो सवेरे 8 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे जो है 75,486 जो इलेक्टर हैं वो अपने मत का जो है वो प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारे 36,654 मेल हैं और 36,423 जो है वो फीमेल हैं, जो हमारे मत का जो है वो जाके मतदान केंद्रों पे जो है वो बाकी जितनी भी हमारी तैयारियां हैं वो मतदान को लेके जो है वो संपूर्ण हो चुकी है। भरमौर विधानसभा क्षेत्र में इस बार 2 हमने मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जिसमें एक पांगी में है, पंचायत घर पांगी का किलार जो है वो मॉडल पोलिंग स्टेशन है, और एक है 115 भरमौर जो हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरमौर में, उसमें मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। और ऐसे ही हमारे 2 जो मतदान केंद्र है वो टोटली ही महिलाओं द्वारा जो है वो उसमें जो है चुनाव करवाया जाएगा, जैसे एक मलियन और दूसरा जो है वो 114 जो है वो भरमौर है। बाकी जो हमारा दूसरा है अपने जो मतगणना होगी, मतगणना हमारी जो 2 तारीख को है वो बहुत तकनीकी संस्थान जो सरौल में है वहाँ पर सवेरे 8 बजे जो है वो शुरू हो जाएगी। मॉडल पर जो हमारा मतदान केंद्र है वहाँ पर हमने टेंट लगाया होता है, जिसमें मतलब जितने भी हमारे बाकी भी मतदान केंद्रों में वैसे हमारा बैठने का उचित प्रबंध है, पर उसमें हमारा विशेष थोड़ा प्रबंध होता है, जहाँ पर मतलब जो हमारे इलेक्टर आएंगे उनको पानी पिलाने का इंतजाम और बाकी सारा बैठने का अच्छा जो है वो प्रबंध किया जाता है।